सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज डॉग में दी जाने वाली पेडिग्री, कई लोग कहते हैं डॉग को पेडिग्री दो, डूल्स दो, फोकस दो, वो सब रॉयल कैनाइन दो, कैनाइन क्रिक दो, ये सब दोस्तों पेडिग्री है क्या? एक पेडिग्री का नाम चलता रहता है कि पेडिग्री दो, पेडिग्री है क्या पेडिग्री? तो पेडिग्री कुछ नहीं है, एक फूड है एक तरह से डॉग का। जैसे कि अपने को गाय भैंसों को जो फूड डालते हैं, जैसे कि काकड़े डालते हैं, खल डालते हैं, वो ऐसे ही डॉग को खाने के लिए इनका भोजन आता है, फूड आता है, पेडिग्री होता है, डूल्स होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये डूल्स हो गया, ये पेडिग्री हो गई, और भी कई चीजें जैसे कि रॉयल कैनन है, फोकस है, और काफी चीजें रखी है हमारे पास। तो और भी चीज दोनों रिकमेंडेड ज्यादा रहती है पेडिग्री की। तो पेडिग्री जैसे कि अपन कैसे खिलाए, सबसे पहले क्यों खिलाते हैं, पहली बात तो ये क्यों खिलाते हैं? तो कोई खास बात नहीं खिलाने की, इनके एक तरह से भोजन है। आप अगर दूध रोटी भी खिलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी खिला सकते हो। अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए खिलाना चाहो तो आप ये स्पेशल फीड आता है पैकेट में, तो खिला सकते हैं। नहीं अपने गाँव में ठीक है, दूध रोटी खाता है तो बढ़िया है, मस्त है, ये ठीक है। और पेडिग्री का जो शौक है, एक तरह से डॉग का, सॉरी एक तरह से डॉग का एक भोजन है, ये फूड है। तो पेडिग्री जो आती है इनकी, जो एज ग्रुप के अनुसार अलग अलग आती है, जैसे कि एज है पप्पी की है, अडल्ट की है, स्टार्टर है सबका। जैसे छोटा बच्चा होता है उसका स्टार्टर आता है, स्टार्टर पेडिग्री, और पप्पी होता है उसका। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पप्पी का, ये पप्पी का देखो आप, ये पप्पी का, इसमें पप्पी लिखा हुआ है, तो ये पप्पी का पेडिग्री है। जैसे कि ये बड़े का है, जैसे अडल्ट का है, जो पूरा डॉग हो जाता है वो अडल्ट का आता है। ऐसे ही फिर स्टार्टर आता है, जो छोटे बच्चों को दिया जाता है वो स्टार्टर होता है। तो सब एज के अनुसार दिए जाते हैं। सिंपली है देने का तरीका इनका, सिंपली है, आप बाजार से ले आए और आप सुक्का डालने के बजाय जो स्टार्टर होता है, जो बच्चा होता है, उसको अगर दूध या छाछ होती है अपनी, लस्सी होती है, उसमें भिगो के खिलाते हैं। उसमें भिगोने का मतलब कि 5-7 मिनट पहले उसको भिगो दे दूध में, और फिर डॉग के सामने रख दो, आसानी से खा जाएगा, क्योंकि ये फूल जाता है और हल्का होता है, सॉफ्ट हो जाता है भीगने के बाद में। तो आप भिगो के खिलाओगे ज्यादा बेटर रहेगा। और बड़े डॉग को अगर सूखा डालते हो आप, क्या सूखा डाल दो वो ज्यादा बेटर रहता है। बड़े डॉग में के तो खाने में उसके आसानी मुंह चलता रहेगा, और जो दांत होते हैं बड़े डॉग के वो साफ हो जाते हैं, पेडिग्री खाने से घसे लगते हैं तो अपने आप साफ हो जाते हैं। अब बात यह कि कितना पेडिग्री डॉग को देना चाहिए। तो दोस्तों पेडिग्री देने का सबका अलग अलग होता है, बॉडी वेट के अनुसार दी जाती है, और हर एक मैं बता नहीं सकता, बट जो भी आप पेडिग्री लेके आओगे उस पे ये फॉर्मेट बना हुआ होगा, जिसपे किसी पे 30-40 ग्राम है, किसी पे 50-60 ग्राम, बॉडी वेट के अनुसार, स्मॉल लार्ज ये सब ब्रीड के अनुसार दी जाती है। और जो इस पे लिखी रहती है, जो 40-50 ग्राम, वो पर डे की लिखी रहती है, नहीं एक दिन में आप 40-50 ग्राम पेडिग्री दे, मतलब कि एक दिन में 40-50 ग्राम पेडिग्री दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा देते हैं तो ये डाइजेशन नहीं, डाइजेशन मतलब पेट में फूलती है और पाचन में दिक्कत आएगी। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर 40-50 ग्राम है, छोटे पप्पी है, तो उसको 20 ग्राम सुबह 20 ग्राम शाम को दे सकते हैं। तो ये आपको देने का तरीका, सिंपली ये मार्केट से लेकर आनी है, और दूध और छाछ जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें भिगो के खिला देंगे। और पेडिग्री आपको बता दिया फूड है एक तरह से, नहीं तो अपने छाछ और रोटी दही दूध डॉग के लिए है ही। तो दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी है और हर चीज आपको समझ में आ गई, पेडिग्री क्या है, कैसे देना चाहिए, क्या फंडा है पेडिग्री, कुछ कोई फंडा नहीं है, एक तरह से डॉग का फूड है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको फायदा होगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो पशुओं के बारे में, डॉग के बारे में जो जानकारी लेके आता रहता हूँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको उस चैनल से जुड़ जाएंगे और आपको जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।